लोकसभा में ओवैसी की शपथ ग्रहण के बाद मंगलवार को जोरदार हंगामा हुआ। सदस्यों को ओवैसी द्वारा शपथ ग्रहण के बाद जय फलस्तीनी कहे जाने पर आपत्ति थी। हंगामा होने पर पीठ पर बैठे राधामोहन सिंह ने इसे कार्यवाही से निकालने की बात कही। इसके बाद ही सदस्य शांत हुए। AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को संसद में शपथ ली। शपथ लेने के बाद तकरीबन 3:11 पर ओवैसी ने जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन कहा। इस पर सांसद शोभा करंदल लाजे ने सवाल उठाया। इसके बाद संसद में अन्य सदस्यों ने भी जय फलस्तीनी कहे जाने पर आपत्ति जताई। विवाद बढ़ता देख पीठ पर बैठे राधामोहन सिंह ने इसे रिकॉर्ड से निकालने का आदेश दिया। ओवैसी ने संसद सदस्य के तौर पर शपथ उर्दू में ली। जब पीठ से उनका नाम पुकारा गया तो सदन में भारत माता की जय के नारे लगे। इसके साथ ही कुछ सांसदों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। जो ओवैसी शपथ ग्रहण करने के लिए डायस पर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले जय भीम का नारा दिया। इसके बाद उन्होंने उर्दू में शपथ ली। इसके बाद फिर जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीनी कहा। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद लोकसभा सीट से लगातार 5वीं बार जीत दर्ज की है। असदुद्दीन ओवैसी को इस बार कुल 6,61,991 वोट मिले। उन्होंने बीजेपी की माधवी लता को 3,38,087 वोटों से मात दी है। इससे पहले 2019 के चुनाव में ओवैसी ने कुल 58.95% वोट शेयर के साथ जीत दर्ज की थी।